दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रिस्टिनिया रोसिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम आफ्टर डेथ के बारे में दोस्तों बात करेंगे। लाइन बाय लाइन आज हम इस पोएम को समझेंगे। दोस्तों, ये एक सोनेट है और इस पोएम किस विषय में है अच्छे से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस पोएम में क्रिस्टिनिया प्रोसिटी जो पोएटेस है, उन्होंने उनके डेथ के बाद का जो सीन है उसको लेकर इस पोएम को लिखा है। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पोएट को कैसे पता चला डेथ के बाद की क्या हुआ। दोस्तों, पोएट के हिसाब से उनके जो सोल था, डेथ उनका फिजिकल डेथ था, लेकिन उनका जो सोल था वो उनकी डेड बॉडी के सामने ही था। तो वो सोल की तरफ से, सोल के द्वारा वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। दोस्तों, इसके ऊपर उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए दोस्तों, पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हो समझते हैं। द कर्टेंस वेयर हाफ ड्रॉन, द फ्लोर वेयर वॉज स्वीप्ड। कर्टेन वेयर हाफ ड्रॉन का मतलब है दोस्तों, उनका जो घर का, जिस घर में उनका डेड बॉडी था, उस घर के जो कर्टेंस थे, जो पर्दे थे, वो हाफ खुला हुआ था। और जो फ्लोर था वो बहुत ही क्लीन था। जिस फ्लोर में उनका डेड बॉडी था वो फ्लोर बहुत ही क्लीन था। एंड स्ट्रिविंग विथ रशेस, रोजमेरी एंड मेरी। दोस्तों, ये रशेस, रोजमेरी एंड मेरी फ्लावर्स का नाम है। और स्ट्रिविंग का मतलब है डिज़ाइन, मतलब उनका जो डेड बॉडी जहाँ पर था, जिस कफिन में उनका डेड बॉडी था, उस कफिन उनके चारों तरफ फूल से घिरा हुआ था। दोस्तों, मृत्यु के बाद जो सीन होता है, जिस तरह से डेड बॉडी को रखा जाता है, उनके चारों तरफ फ्लावर से सजाया जाता है, तो उस सीन को पोएट यहाँ पे बता रही है। लेट थिक अपॉन द बेड ऑन व्हिच आई ले। यहाँ पे दोस्तों पोएट फ्लावर्स की बात कर रहे हैं कि जो तीन फ्लावर, जैसे कि रशेस, रोजमेरी और मेरी, कहाँ पर थे? उनकी बेड के चारों तरफ, जिस बेड में, मतलब जहाँ पर वो सोई हुई थी, उनके डेड बॉडी जहाँ पर था, उसकी चारों तरफ वो जो फ्लावर्स से सजाया गया था। वेयर थ्रू द लेटिच आईवी शेडो क्रिप्ट। आईवी शेडो का मतलब है दोस्तों, ये एक तरह का एक पेड़ होता है, बहुत ही पतला पेड़ होता है, लत जो होता है, तो वो उसका जो शेडो था वो खिड़की से उनके बेड पर पड़ रहा था। जहाँ पर वो लेटी हुई थी वहाँ पर आईवी का जो शेडो था वो पड़ रहा था। ही लीन्ड अबोव मी थिंकिंग दैट आई स्लिप्ड। दोस्तों, ही का मतलब है, यहाँ पे ही का मतलब है पोएट का लवर। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके जो लवर थे वो उनके पास आए, उनके ऊपर आए, और उनको समझ में आ गया था कि जो पोएटस है, जो क्रिस्टिनिया रोसिटी है, उनका मृत्यु हो चुका है। एंड कुड नॉट हेयर हिम बट आई हर्ड हिम से। और उनके बिलव ने उनके लिए जो भी कुछ बोला है, तो उनके बिलव को लगा था कि उसने जो भी कुछ बोला है पोएट को समझ में नहीं आया होगा, पोएट ने नहीं सुना होगा, लेकिन पोएट ने सब कुछ सुना है, पोएटस ने सब कुछ सुना है। पोअर चाइल्ड एंड एज ही टर्न अवे। यहाँ पर दोस्तों, उनके जो बिलव थे उन्होंने पोएटस के लिए एक दो वर्ड यूज़ किया है, पोअर चाइल्ड, लेकिन जब उन्होंने ये दो वर्ड कहा था, तब उनके जो बिलव को पता नहीं था कि पोएट सब सुन रहे हैं, लेकिन उनके सोल के द्वारा पोएट सब कुछ सुन रहे हैं कि उनके बिलव क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद उनके बिलव वहाँ से चले गए। केम ए डीप साइलेंस व्हेन आई न्यू ही वेप्ट। और पोअर चाइल्ड कहने के बाद उनके जो बिलव थे वो वहाँ से उठ गए। उसके बाद पोएटस ने फील किया कि वो रो रहे थे, उनके जो बिलव थे वो रो रहे थे उनके पोएटस के मृत्यु के दुख में। ही डिड नॉट टच द शाउड और रेज द फ्लोर। लेकिन दोस्तों, पोएटस के जो बिलव थे उन्होंने कफिन को छुआ तक नहीं, मतलब जहाँ पर वो पड़े हुए थे, उनके डेड बॉडी जहाँ पर था उसको छुआ तक नहीं, ना ही उनके मुंह जो कपड़ा से पोएटस का मुंह ढका हुआ था, उस कपड़ा को उठाया। दैट हाइड माई फेस, जिस कपड़े से पोएटस का फेस छुपाया गया था वो कपड़ा भी उनके बिलव ने नहीं उठाया। और टेक माई हैंड इन हिज हैंड, और पोएटस के जो हाथ था वो हाथ तक भी उन्होंने छुआ नहीं और अपने हाथों में नहीं लिया। और रफल दिस स्मूथ पिलो फॉर माई हेड, और वो जो पिलो था पोएटस के सामने, जो पिलो था वो पिलो भी पोएटस के सर के नीचे उन्होंने नहीं दिया। मतलब दोस्तों, इस सब लाइन का मतलब ये है कि पोएटस को जो
लवर थे, उन्होंने जो लव है वो उसको फील किया और रोया, लेकिन उन्होंने फिजिकली कोई कुछ नहीं किया पोएट्रेस के लिए, ठीक है। ही डिड नॉट लव मी लिविंग बट वंस डैट ही पिटीड मी एंड वेरी स्वीट इट इज़। यहाँ पे दोस्तों पोएट बोल रहे हैं कि जब तक पोएट्रेस जिंदा थी तब तक उनके बिलव ने उनको प्यार नहीं किया, लेकिन जब उनका मृत्यु हो गया तब पोएट्रेस को जो लवर थे उन्होंने पोएट्रेस का इम्पोर्टेंस समझा और उन्होंने पिटीड फील किया। एंड इट इज़ वेरी स्वीट टू नो ही स्टिल इज वार्म थ्रो आई एम कोल्ड। और उनके मरने के बाद जो लवर थे उनके शरीर में पोएट्रेस के लिए जो प्यार था वो उभर आया था, लेकिन अब क्या होगा क्योंकि पोएट्रेस का तो मृत्यु ऑलरेडी हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे इस सॉन्ट का एंड होता है। यहाँ पे पोएट्रेस जो है क्रिस्टिनिया रोसिटी, उन्होंने अपनी डेथ के बाद उनका जो लवर का जो रिएक्शन था और जो सीन था उसको लेकर इस पोएम को लिखा है। दोस्तों इस पोएम का जो मेन थीम है वो डेथ और रिलेशन या फिर लव भी हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, अच्छे रहे, स्वस्थ रहिए।